अक्सर आपने देखा होगा कि मुंह का स्वाद अचानक से कड़वा हो जाता है। ऐसे में लोग इस स्वाद को ठीक करने के लिए मीठा, नमकीन या कुछ खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं। वैसे तो ये एक आम समस्या है, लेकिन कई मामलों में मुंह का स्वाद कड़वा होने में कुछ कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ये समस्या मुख्य तौर पर भोजन के प्रति रिएक्शन के कारण हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन के कारण लोगों के मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है। लेकिन अगर ये समस्या बार बार हो रही है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नमस्ते व्यूअर्स, मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं एक सर्टिफाइड डेंटल सर्जन हूँ और दादर मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि मुंह की कड़वाहट के कारण, फिर मुंह की कड़वाहट के लक्षण, मुंह के स्वाद कड़वा होने पर क्या करें, फिर मुंह की कड़वाहट दूर करने के कुछ घरेलू नुस्खे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मुंह की कड़वाहट के कारण, यानी कि कॉजेस ऑफ बिटर टेस्ट इन माउथ। तो उसमें सबसे पहले है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जिस व्यक्ति को सांस से जुड़ी कोई भी समस्या होती है, उसे मुंह का स्वाद कड़वा महसूस हो सकता है। आपको बता दूं कि साइनसिस या कान के मध्य में इन्फेक्शन होना मुंह की कड़वाहट का कारण बन सकता है। जब श्वसन तंत्र से जुड़ी ये समस्या ठीक हो जाती है तो मुंह का स्वाद भी ठीक होने लगता है। फिर दूसरा है मुंह की साफ सफाई न रखना। ओरल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर सही से ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता है तो मुंह में छाले, दांतों में इन्फेक्शन, दांतों में कीड़े लगना, मसूड़ों की समस्या, मुंह में फोड़ा बनना जैसी समस्याएं हो सकती है और इन स्थितियों में मुंह में कड़वाहट महसूस हो सकती है। फिर तीसरा है हार्मोनल चेंजेस। जब व्यक्ति में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो भी मुंह का स्वाद कड़वा होने जैसी समस्याएं हो सकती है। आमतौर पर ये बदलाव गर्भावस्था की शुरुआत में ज्यादा होता है, इसलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में महिलाओं को मुंह का स्वाद कड़वा महसूस हो सकता है। फिर है ड्राई माउथ की समस्या। मुंह में बनने वाली सलाइवा की कमी के कारण व्यक्ति को ड्राई माउथ की समस्या हो सकती है। ऐसे में सांस से बदबू, मुंह का स्वाद कड़वा होने जैसे लक्षणों का अनुभव हो सकता है। फिर शराब, तंबाकू का सेवन करने से भी मुंह से बदबू आ सकती है और मुंह का स्वाद कड़वा लग सकता है। फिर पांचवा है एसिड रिफ्लक्सेस। जब पेट का एसिड फूड पाइप में आ जाता है तो व्यक्ति को एसिड रिफ्लक्सेस की समस्या हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति के सीने में जलन महसूस होने लगती है। इस स्थिति में मुंह का स्वाद भी कड़वा लगने लगता है। और कुछ अन्य कारण मुंह के स्वाद के कड़वा होने के पीछे, जैसे कि कैंसर थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एक्सेट्रा भी कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जब व्यक्ति विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम या फिर जिंक सप्लीमेंट लेता है तो भी मुंह का स्वाद कड़वा हो सकता है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टेमिक, डायबिटीज की दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट आदि के कारण व्यक्ति के मुँह का स्वाद कड़वा हो सकता है। फिर अब हम देखेंगे मुंह की कड़वाहट के लक्षण, यानी कि सिम्टम ऑफ बिटर टेस्ट इन माउथ। मुंह की कड़वाहट के कारण बैड ब्रेथ, सीने में जलन होना, व्यक्ति के गले में खराश या फिर दर्द होना, व्यक्ति का गला बैठना, खाने को निगलने में परेशानी महसूस होना, दांतों में झंझनाहट महसूस होना, भूख में कमी होना, मसूड़ों से खून आना, मुंह की कोशिकाओं में सूजन महसूस होना, मुंह का लाल हो जाना, उल्टी आना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर अब हम देखेंगे मुंह का स्वाद कड़वा होने पर क्या करें। सबसे पहले शराब का सेवन न करें। धूम्रपान को अपनी दिनचर्या से निकाल दें। मीठे पदार्थों को सीमित मात्रा में सेवन करें। कैफीन या सोडे का सेवन कम मात्रा में करें। ज्यादा मात्रा में पानी पिए। 3 से 6 महीनों में मसूड़ों और दांतों की जांच कराने के लिए डेंटिस्ट के पास जाए। मुंह का स्वाद कड़वा हो गया है तो खट्टे फल जैसे कि संतरा, नींबू आदि का सेवन करें। नियमित रूप से दांतों की सफाई के साथ साथ जीभ की भी सफाई करें। अगर आपके मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है तो आप गार्गलिंग भी कर सकते हो। फिर अब हम देखेंगे मुंह की कड़वाहट दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपचार। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा मुंह के पीएच लेवल को नियंत्रित करता है। इसके लिए आधा चम्मच बेकिंग सोडा में 3-4 बूंद नींबू का रस डालकर मिला ले। ब्रश करने के बाद इसे दांतों पर अच्छे से लगाए। ऐसा करने से मुंह का कड़वाहट दूर हो जाएगी। फिर दूसरा है लौंग। मुंह का स्वाद खराब होने पर लौंग को मुंह में रखकर चबाते रहने से मुंह का स्वाद ठीक हो जाता है। फिर है काली मिर्च। काली मिर्च को मुंह में रखकर चबाने से मुंह का स्वाद ठीक हो जाता है और जी नहीं मल जाता। फिर चौथा है अदरक। 1 चम्मच अदरक के रस को 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर कुल्ला करने से मुंह का स्वाद दूर हो जाता है। फिर पांचवा है पुदीना। पुदीना चबाकर खाने से भोजन के कण दूर हो जाते हैं और मुंह की सफाई भी हो जाती है। फिर छठा है नमक से गार्गलिंग। नमक में मौजूद एंटीसेप्टिक गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, इसलिए रोजाना गर्म पानी में नमक डालकर उससे गार्गलिंग करने से मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। फिर सातवा है एलोवेरा जूस। एलोवेरा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं, जो कि मुंह का कड़वापन और कसीलापन दूर करने में काफी असरदार साबित होते हैं। फिर आठवा है दालचीनी। दालचीनी का इस्तेमाल मुंह का कड़वापन दूर करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए आप आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और आधा चम्मच नींबू के रस को 1 गिलास गर्म पानी में मिला ले। इस ड्रिंक से कुल्ला करें। दिन में 2-3 बार ये उपाय करें, इससे आपको लाभ नजर आएगा। दालचीनी पाउडर की जगह आप दालचीनी के तेल की 2-3 बूंदों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर नौवां है ग्रीन टी। ग्रीन टी में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। बुखार में मुंह के कड़वाहट को दूर करने के लिए ये बेहतरीन उपाय है। इसके लिए आप 1 कप पानी को किसी बर्तन में गर्म कर ले, फिर उसमें ग्रीन टी को मिलाए। लगभग 5 मिनट तक इसे उबाले और हल्का ठंडा होने पर इसमें शहद मिलाकर सेवन करें। इससे आपके मुंह का कसीलापन दूर हो जाएगा। फिर दसवां है एप्पल। सेब के सिरके का उपयोग मुंह के कड़वाहट को मिटाने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब के सिरके को अच्छी तरह से मिला ले। इसका सेवन आप बुखार के समय और बुखार के पश्चात कुछ दिनों तक करें। इससे आपके मुंह का स्वाद बेहतर होने लगेगा। ये उपाय आप सिरके में शहद मिलाकर भी कर सकते हैं। इन सभी का प्रयोग करके मुंह का कड़वापन दूर किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।